जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आईडी बरामद हुआ है। रंगमल्ला में फौज ने आईडी बरामद की। आईडी का वजन करीब 25 से 30 किलो बताया जा रहा है। बम डिस्पोजेबल दस्ते को यहां पर बुलाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर के पुलवामा से आप तक पहुंचा रहे हैं। आईडी बरामद किया गया, रंगमल्ला में फौज ने आईडी बरामद की है। आईडी का वजन करीब 25 से 30 किलो बताया जा रहा है और इस वक्त बम डिस्पोजेबल दस्ते को बुलाया गया है ताकि इस आईडी को डिफ्यूज किया जा सके। सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ ये आईडी लगी है। तकरीबन 25 से 30 किलो का वजन बताया जा रहा है और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करने के लिए, इसे डिफ्यूज करने के लिए बम डिस्पोजेबल दस्ते को भी बुलाया गया है। इस वक्त की अहम खबर है, पुलवामा से आप तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आईडी बरामद की गई है। रंगमल्ला में फौज ने आईडी बरामद की जिसका वजन 25 से 30 किलो बताया जा रहा है। बम डिस्पोजेबल दस्ते को बुलाया गया है जो आईडी को जल्द से जल्द डिफ्यूज कर दे। बता दें कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जम्मू कश्मीर के अंदर पहरे को सख्त किया है। 15 अगस्त को देखते हुए यहां पर इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात की गई हैं और लगातार तैयारियों को भी मुकम्मल करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। और इस बीच आईडी के मिलने से बड़ा हड़कंप मच गया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आईडी बरामद हुई, 25 से 30 किलो का वजन बताया जा रहा है और बम डिस्पोजेबल दस्ता यहां पहुंचने वाला है जो इस आईडी को डिफ्यूज करेगा। तो ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के पुलवामा से आप तक इस वक्त पहुंचा रहे। आईडी बरामद की गई है, चौकसी एक बार फिर देखने को मिली जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की। आईडी यहां पर डिफ्यूज की जाएगी अब से कुछ ही देर में। बम डिस्पोजेबल दस्ते यहां पर पहुंचेंगे और इस आईडी को डिफ्यूज करने का काम किया जाएगा। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के पुलवामा से आप तक इस वक्त पहुंचा रहे। रंगमल्ला में फौज ने आईडी बरामद की। आईडी का वजन करीब 25 से 30 किलो बताया जा रहा है। बम डिस्पोजेबल दस्ते को बुलाया गया है जो इस आईडी को डिफ्यूज कर सके। जम्मू कश्मीर में नापाक कोशिशों को अंजाम देते हुए दहशतगर्द, लेकिन उन्हें मुंह तोड़ जवाब मुसलसल दिया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। बता दें कि आईडी बरामद किया और इसे रिहायशी इलाकों से हटाकर डिफ्यूज किया जाएगा ताकि मकामी लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी पेश ना आए। एक बड़ा हादसा होने से आज फिर बचाया सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकसी ने।